आप थ्रो थ्रो मोर ने बच्चा पकड़ा हुआ है, मोर ने बत्तख का बच्चा छोड़ा। इसको तकरीबन यहाँ पर आया हुआ, 1 साल से ऊपर हो गया, मर गया क्या? चलो ये लो, कहाँ से काटू, मैं काटू, तुमने काटने, तुम काट लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो यार कल सिप्तैन ने ना कैसे की सवारी की थी, और वाह यार आज मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर बैठूंगा, मेरे से यार पता नहीं क्या दुश्मनी है इसको, बहुत ज़्यादा यार ये डरती है मुझसे। सिप्तैन के साथ ने दोस्ती लगा ली है, कल कैसे घुमा रही थी उसको, लेकिन आज मेरा मूड था कि मैं इसके ऊपर बैठूंगा और सिप्तैन की तरह थोड़ी सी सवारी करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। क्योंकि सिप्तैन ने भी दोस्तों क्या किया था कि 3-4 दिन पहले ना प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि मेरा डर खत्म हो जाए और कैसी का भी खत्म हो जाए, फिर ना ये आराम से मेरे ऊपर अटैक वगैरह नहीं करेगी। कैसी को कसूरवार ना ठहराओ, तुम खुद डरते हो, मेरे से क्यों नहीं डरती हो? मैंने नहीं बोला, मैं इंसान हूँ, तुम्हें मैं सिर्फ तुम्हारा बता रहा था कि भाई तुम्हारे से ही निकले हुए, खुद अपना डर खत्म करो, इसलिए तुमने सुना है मैंने क्या बोला है? नहीं सुना। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि 3-4 दिन पहले उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अच्छा। कि जब मैं बैठूंगा तो कैसी को डर नहीं लगेगा, मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। तुम भी पता नहीं क्या समझ लेते हो यार तुम। मैंने सुना मेरी बुराइयां कर रहे हो तुम, जाओ उसके करीब जाओ जरा, मुझे तो मार रही थी। करते हो मेरी कैसी, नाराज हो, कल ज्यादा भगाया मैंने तुम्हें, अभी वो खाना खा रही है इसलिए वो कहते मेरे करीब ना हो, जाओ। तो यार सिप्तैन के साथ तो इसने दोस्ती लगा ली है, लेकिन अब मैंने इसके साथ दोस्ती लगानी है, और मेरा भी दिल कर रहा है। जब मैंने देखा था ना सिप्तैन को कल, एक काम करो, बहुत ही मजा आया था मुझे। हाँ? कैंची ले आओ, इसके बाल बड़े यहाँ से, क्यों इतना अच्छे लग रहे हैं यार, इतना प्यारी जुल्फे हैं इसकी, क्या इसका नुकसान है ना, जब भागती है ना इसकी आंख में बाल जाते हैं, जिससे ये इधर उधर होता है। सिप्तैन कह रहे हैं कि कैंची लेकर आओ, इसके ना जो फ्रंट पर बाल हैं ये जब भागती आंखों के आगे आ जाते हैं और इसको नजर नहीं आता, फिर इससे बंदा गिर भी सकता है। तो हम अभी कैसी के ना जो फ्रंट वाले बाल हैं वो काटने वाले हैं। चलो ये लो, कहाँ से काटू, मैं काटू, तुमने काटने, तुम काट लो। चलो चलो, वो ऐश और फियोना भी बुला रहे हैं, इतना ज्यादा ना काटो सिप्तैन। यार तुम चुप करो, ओहो बस नहीं, काफी है, सही है, ये लो। क्या हो गया? चलो भाई चलो 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 यार, काफी दिन हो गए, ये अपने बच्चों को बाहर लेकर नहीं आ रही थी, 2 अंडे बचे हुए ना अभी, उनकी ताड़ में, उनमें से बच्चे निकलेंगे फिर मैं इनको बाहर लेके आऊं, उनके चक्कर में ये ना मर जाए। हाँ ना, ये ना भूख से मर सकते हैं ये, तो इनको खिलाओ पिलाओ। चलो तुम भी जाओ आओ भाई अपने बच्चों, और तुम बच्चे भी जाओ, माँ के पीछे जाना, हमारे पीछे ना आना, वो जा रही है, उसको परवाह नहीं है मेरे बच्चे यहाँ पर है, ये कैसी माँ हो तुम भाई, उधर उधर जाओ, शाबाश, आएगी आएगी। भाई तुम नहीं हो इसकी माँ, तुम क्या करने आ रही हो? यार ये ना हो के अटैक कर दे, अटैक भी करने आ सकती है ये, अभी देखते हैं क्या करती है, मारती है या प्यार करती है। माँ बचाने भी आती है कि नहीं अभी पता चलेगा सब। तो अभी हम साइड पर हो गए और उनकी माँ ना अपने बच्चों के पास आ रही है, मतलब इसने पहचान लिया, अपने बच्चों की पहचान है इसको, ये प्रोटेक्ट करना जानती है उसको। इनको हम ये भी घूमने देते हैं, और अंडो पर दूसरी मुर्गी बैठी हुई है, टेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर घूमती रहेगी दूसरी मुर्गी, अंडों में इनक्यूबेट करेगी, दो दो मुर्गियां बैठी हुई है, ये काम सही हो गया भाई, मुर्गी भी पाल रही है, ये बतख भी पाल रही है, सही है। यार स्नो को क्या हुआ, तुराब क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं यार सिप्तैन, वाले के इसको कुछ हुआ, ये कैसे सो रहा है वो देखो, जैसे अजीब की तरह हो यार, इंसान इंसानों की तरह सो रहा है, और हाथ ऐसे किए हुए सुकेड़े हुए हैं, जैसे सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है इसको। नो क्या हुआ भाई, नो की तबीयत खराब तो नहीं है, ऐसे क्यों लेटे हुए यार, डरा दिया यार, सुनो कैसे सो रहा है पागल, चलो उठो 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 उठो, चलो शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ भाई, सुबह हो गई है तुम्हारी, सुबह नहीं अभी रात से सो रहे हो, पूरे इंसान वाले हरकतें कर रहे हैं, वापस आओ उठो यहाँ से, जगह सही ढूंढी है इसने, देख रहे हो ठंडी है ना सिप्तैन, चलो चलो भाई उठ, कल भी खरगोशों के घर में घुस गया था, आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है खरगोशों की तरह, शाबाश वापस आओ, चलो 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 चलो, नहीं भाई वो बैठना ही चाहते हैं यहाँ पे, बस भाई तुम इधर ही रहो, तुम्हारा यही घर है अब, वो देखो क्या बात है तुम्हारी, अंदर घुस गया फिर से। यार हमारा सुनो बहुत ज्यादा आलसी है भाई, सीधी बात है, जो सारा दिन सोया रहता है, रात को भी सोता है, दिन में भी सोता है, अभी फिर देखो जरा, फिर सो गया जाके, हटो शैन हटो 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 हटो, सिप्तैन इसको उठाओ, देखो इसके पर शर आए हैं अभी तक, वैसे ही है पर, आए क्या ये तो कम हो गए, हाँ इसके तो भाई पूंछ ही नहीं है, ये देखो ना पूंछ ना पर, क्या करे इसको आजाद भी नहीं कर सकते ये हमारे तो पास ही रहेगा भाई, साल हो गया इसको, तो साल से ज्यादा हो गया सिप्तैन, और क्या, हाँ क्या बड़ा हो जाएगा, इतना सारे साल हो गए, हाँ इतना सारे हो गए,
क्या करें इसका? इसको वापस वहाँ रख दो ना यार, हम पालते रहेंगे इसको? इसको वाइल्ड में छोड़ना होता है, ये वाइल्ड परिंदा है, यहाँ नहीं रह पाएगा। अब हमारा यार इसमें क्या कसूर है सिपाहियन, बताओ? अगर इसके पर होते तो हम आजाद कर देते, और तुम्हें पता है जंगली परिंदे हम कहाँ रखते हैं। वही तो बात आपको है। पता है दोस्तों, जंगली परिंदे हम थोड़ी घर में रखते हैं, हम फौरन आजाद कर देते हैं। लेकिन ये जो ईगल है बेचारे को मसला है यार, इसको तकरीबन यहाँ पर आया हुआ एक साल से ऊपर हो गया है, अभी तक इसके पर नहीं आए। पता नहीं क्या मसला है इसको, पहले से कोई मसला होगा ना, जब आया था इसके पर कटे हुए थे। चलो ऐसी तरह छोड़ दो, छोड़ दो यार इसको। जी चाचू इनको खाना डाल दो ना चाचू। तो यार हमारा एक ईगल ये है, और दूसरा जो डरपोक है वो यहाँ पर ही घूम रहा होगा। वो देखें, वो कोने में छुपा हुआ है यार। ये ऐसे ही है, जब से आया ऐसे ही है। इसकी पत्नी ऐसी नेचर क्यों है, ये क्यों इतना ज्यादा डरता है? वो भी ईगल है, वो भी ईगल है, लेकिन ये ईगल बहुत ज्यादा यार डरता है, समझ से बाहर है। अच्छी होगी ना चाचू मछली हमारी? यार जिस चीज का मुझे डर था ना, वही हो रहा है। मैं समझ रहा था कि हमारे मास्टर केज में धूप आएगी और हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं रुकेगी, लेकिन यहाँ पर धूप नहीं आती। देख रहे हैं दोस्तों, इस बेल के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो गए हैं, और अब ये सूखती जाएगी इस तरह से ना। वो देखें सामने वाली बेल के पीले पत्ते हो रहे हैं। यार मैंने बड़ी चाहत से पौधे लगाए। मैं डांटू थोड़ा सा, क्या याद करो, मैंने 3-4 महीने पहले मैंने कहा पौधों को छोड़ो, मास्टर केज बनाओ, नहीं पौधे बड़े हो जाए फिर बनवाए। यार देखो अब ग्रीनरी है, कितने प्यारे लग रहे हैं, देख रहे हो? खत्म हो जाएगी, क्या फायदा फिर इतना मेहनत करने का, वेस्ट किया टाइम मेरा। बस क्या करें यार, अब हो गया जो होगा, जो होना था हो गया। चले यार, पौधों के साथ जो होना था तो वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, मास्टर केज में कलर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे परिंदे आएंगे। हमारे शिजुका भी बेचारी कब से अकेली है, इसके लिए भी इसका दोस्त लेकर आना है। देखिए बहुत ही यहाँ पर खुश है, लेकिन जब इसका पार्टनर आ जाएगा ना, दोस्त आ जाएगा, ये बहुत ही हैप्पी लाइफ यहाँ पर गुजारेगी, क्योंकि पौधे भी आ गए ना अब। ये कहेगी कि मैं कहाँ घूमूंगी, अभी तो मेरी पुरानी जगह थी। हाँ ऐसे ही कहेगी। चलें दोस्तों, हम इनको अकेला छोड़ देते हैं। और हमारे ग्रह इस टाइम ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, और सुबह सुबह बहुत ज्यादा बोलता है। आज सुबह तो घर वालों ने बोला यार, क्या ग्रह इतना ज्यादा शोर करते हैं, कभी मिट्ठू बोल रहा होता है, कभी कोयल की आवाज बोल रहा होता है, यार इतनी नींद डिस्टर्ब होती है। मैंने बोला भाई नहीं, क्या है इसमें, परिंदों की आवाज है, कोई और तो नहीं है ना, बस बर्दाश्त करें। तो उन्होंने बोला चले ठीक है। हाँ भाई, कबूतर खुले हुए, ख्याल करना, तो आप छोड़ना नहीं इनको यहाँ पे। थोड़ी सी वाक कराते हैं इनको यहाँ पर ऐसे। ओए ओए, कबूतरों के पीछे कबूतर भी डरने लग गए हैं। जाहिर है ये पीछा करेंगे, तो आप देखना भाई, डॉग्स और कैट जितना भी टेम हो जाए ना, ये परिंदों पर हमला जरूर करेंगे। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, कैट के साथ भी और डॉग्स के साथ भी। बाकी किसी के इतने किस्मत वाले होते हैं कि परिंदों को कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे वाले भाई मार सकते हैं कभी भी। ये देखें, ये जैसे जा रही थी, अभी तो हम खड़े हुए ना होते तो अंदर घुस के सारे कबूतरों को मार देते। एक और चीज बताऊं? बताओ। ऐश का कलर देख लो, चेंज हो रहा है। जो बचपन में ऐश आया था कितना डार्क चॉकलेट की तरह होता था, फिर ये लाइट हो गया था। अब देखो, अब मौसम चेंज हो रहा है अपना ना, कलर ये वैसे करता जा रहा है शुरू में था। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कलर अच्छा हो रहा है, डार्क हो रहा है, प्यारा हो जाएगा। और भी और बड़े भी हो गए भाई, फर्स्ट इनके बच्चे आ जाए सिपाहियन, बहुत ही अच्छा लगेगा। आ जाएंगे, आ जाएंगे, मंगवा लेंगे कहीं से। फियोना जाएगी भाई, फियोना। हाँ जी, हाँ जी यार, फियोना का बस नहीं चल रहा है, अभी एक मछली पकड़ के खा जाए। ऐसा लग रहा है कि बस अंदर जाऊं और मैं मछली पकड़ के वो जबान बाहर निकाल रही। मछलियां भी पसंद है भाई इनको, कुछ भी नहीं छोड़ती ये लोग। देख रहे थे तो आप, बहुत ज्यादा यार अजीब हरकतें हैं इनकी, कभी मछलियां, कभी मुर्गियां, कभी कबूतर, जहां भी देखती हैं कि हमारा शिकार है वो पकड़ने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही भूखड़े हैं यार ये लोग, शैतान की तरह। तो अब बारी दोस्तों गैया के दूध निकालने की, और आज मैं दूध निकालूंगा। सिपाहियन ने तो घोड़सवारी कर दी थी, आज मैं दूध निकालूंगा भाई। दूध चोने आते हैं, दूध निकालते रहो, मुझे क्या नुकसान है, मैं पीऊंगा सिर्फ। घोड़सवारी करना बहुत अच्छी बात है भाई। चलो यार, अभी ना गैया का बच्चा पी रहा है, गाबा हमारा दूध पी रहा है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे, और फिर आज मैं ट्राई करता हूँ यार, मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। वही तुम्हें तो आता है, वाओ, दोनों हाथों से करते हैं भाई, एक से तो कर लूं। वही तो आपको आते हैं दूध निकालना यार, वो एक्सपर्ट बन गए तुम तो हैं। आज मैं निकालूंगा सारा। अच्छी बात, अच्छी बात यार, काम आने चाहिए, बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है इस तरह के काम करना, बहुत ही अच्छा फील होता है। अब ऐसे बंदा टेंशनों में रहता है, ये काम करो सुकून आएगा, है ना। आप थोड़ा थोड़ा, मोर ने बच्चा पकड़ा हुआ है, मोर ने बत्तख का बच्चा, छोड़। पागल, शुक्र है देख लिया मैंने, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यार। मोर ने ये हरकत की है हमारे इस वाले मोर ने, वे गंदे, तुमने क्यों किया ये, हैं पागल हो गए, मैं बताऊं, पकड़ो यार इसको,
जो तीन बच्चे नहीं निकाले थे हमारे बतख ने, उनमें से यार दिखाओ कैसा है ये। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माए कैसी है यार, दो दो है, प्रोटेक्ट नहीं कर रही यार। यार थोड़ा बिल्कुल सही कह रहा है, ये माँ का काम होता है, बच्चों को साथ साथ रहती है, और कोई भी परिंदा या जानवर हमला करे उसके ऊपर हमला करती है वो। ये बेफिक्र होकर घूम रही है, लेकिन अभी वो बच गया था तो आपने दोबारा यहाँ पर रख दिया है, बाहर निकालना नहीं, अब यहीं पर रहेंगे। बच्चे कह रहे थे भाई हमने अपने बकरों को ना आपका मिनी जो दिखाना है। नहीं मिनी जो नहीं दिखाना, उन्होंने कहा हमारे पास रखने हैं कुछ दिनों के लिए शायद। हैं यहाँ पर रखने हैं? अच्छा घर जगह नहीं है, फिर हम सारा दिन हम रखें इसे, कब तक रखें, कब तक? ईद तक, ईद तक रख लो, ईद तक, एक साल दे रहे ईद को। नहीं नहीं आप ना इसको एक दो दिन के लिए रख सकते हो, ज्यादा नहीं रखोगे यार, बीमार शिमार हो गया तो फिर आपको पता है, फिर बीमार हो गया दोस्तों तो फिर हमारे ऊपर आ जाएगा कि उन्होंने केयर सही नहीं की है। चलो पहले तो इससे मिलो तुम, हमारे स्नो से चलो। ओहो क्या बात है भाई, देखिए दोस्तों किस तरह से अपना खेल रहे हैं। चलो वो देखो तुम्हारी दोस्त, कोई बात नहीं इसको चले ले जाए, हाँ ठीक है, अब ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके ओके ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शेयर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज। अब तुमने सीखना है दूध निकालना, आता है सही है, सीख लोगे, सिंपल है, बहुत इजी। अच्छा आ जाओ।